बीकानेर वासियों को कोरोना से अब सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि सड़कों पर ना निकलें, भीड़ का हिस्सा ना बनें, क्योंकि बीकानेर का स्वास्थ्य सिस्टम अब उस कगार पर पहुंच गया है जहां वो और ज्यादा संक्रमित मरीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बीकानेर में ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगी है। कोरोना की दूसरी वेव ने सिस्टम की तमाम व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है। कुछ वक्त पहले तक बीकानेर में जहां एवरेज 500-600 सिलेंडर से काम चल रहा था, वहीं अब एवरेज 1500-1600 सिलेंडरों की खपत रोजाना हो रही है। बीकानेर की ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्षमता भी बस इतनी ही है। इससे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत बढ़ी तो हालात दिल्ली जैसे हो जाएंगे। 1 अप्रैल से जैसे केसेज आने शुरू हुए तो खपत जो हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की थी वो लगातार बढ़ती गई, और पिछले 3-4 दिन पहले एक दिन ऐसा भी आया था जिसमें हमारे 2000 से भी ज़्यादा सिलेंडर एक दिन में लगे थे। तो अभी जो कल जो हमारे सिलेंडर्स लगे हैं वो 1500 सिलेंडर्स लगे हैं, उससे पहले जो लगे थे वो 1594 सिलेंडर लगे थे। तो करीब 1500 से 1600 सिलेंडर हमारे रोज की अगर एवरेज निकालें तो इतनी खपत आ रही। बीकानेर के PBM अस्पताल में हालात अभी तक कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। यहाँ नजदीकी जिलों के मरीज भी रेफर होकर आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ भी ऑक्सीजन बेड पूरी तरह भरने के कगार पर हैं। MCH जो हॉस्पिटल है, जो अपने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसमें 500 बेड हैं, जिसमें से 380 बेड पे ऑक्सीजन सपोर्ट है। इसके अलावा जो हमारे PBM हॉस्पिटल है उसमें हमने जो मेडिसिन वार्ड्स हैं, 8 वार्ड हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। हमने वहाँ भी जो कोविड पेशेंट्स हैं वो रखे हुए हैं, कोविड के हैं, सस्पेक्टेड कोविड हैं। इसके अलावा जो है, जैसे ही पेशेंट्स का लोड बढ़ा तो गवर्नमेंट से जैसे निर्देश मिले थे तो इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह बंद हो गई थी, तो उसके बाद हमने सर्जिकल वार्ड्स जो हैं वो भी खाली करा लिए। 2 वार्ड ऑर्थोपेडिक्स के थे वो भी खाली करा लिए। तो जहाँ तक अगर आप बेड की संख्या देखें तो हमारे पास 1000 बेड्स उपलब्ध हैं और अभी भी काफ़ी बेड्स हमारे पास खाली हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो करीब करीब हमारे भर रहे हैं धीरे धीरे, और उसकी दिक्कत हमें थोड़ी आ रही है। बीकानेर में पिछले 1 महीने में 13,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इसके अलावा 75 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। लोग अगर अभी भी नहीं संभले और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो कगार पर खड़े इस सिस्टम के ढहने के पूरे आसार हैं। ETV भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।